फ्रेंड्स, हम बायस एक्सप्रेशन को ड्राइव कर चुके हैं रेशियो एस्टिमेटर के लिए अंडर रैंक्ड सेट सैंपलिंग। अब हम मीन स्क्वायर एरर के एक्सप्रेशन को ड्राइव कर रहे हैं रेशियो एस्टिमेटर के लिए अंडर रैंक्ड सेट सैंपलिंग। फ्रेंड्स, ये कुछ नोटेशंस हैं जो आप ऑलरेडी बायस को ड्राइव करते हुए देख चुके हैं, जिसमें हमने रिलेटिव एरर्स को डिफाइन किया था E नॉट और E1 कह के, और उनकी एक्सपेक्टेड वैल्यूज हमने देखी कि जीरो हैं, और उनकी स्क्वायर्स की एक्सपेक्टेड वैल्यूज को और क्रॉस प्रोडक्ट की एक्सपेक्टेड वैल्यूज को कुछ इस तरह से डिफाइन किया। फ्रेंड्स, मीन स्क्वायर एरर के अप्रोक्सीमेट एक्सप्रेशन को फाइंड करते हुए भी हम इन्हीं नोटेशंस को, इन्हीं एक्सप्रेशंस को यूटिलाइज कर रहे हैं। फ्रेंड्स, रेशियो एस्टिमेटर आप पहले भी देख चुके हैं, हमारे पास उसका एक्सप्रेशन ये होता है, जिसमें हम सैंपल मीन ऑफ स्टडी वेरिएबल की रेशियो लेते हैं टू द सैंपल मीन ऑफ ऑक्सिलरी वेरिएबल और उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं पॉपुलेशन मीन के साथ। फ्रेंड्स, इसको यूटिलाइज कर रहे हैं और हम इसमें जो सैंपल मीन्स हैं इनकी वैल्यूज को रिप्लेस कर देंगे रिलेटिव एरर्स को जिस तरह से हमने डिफाइन किया है उनके अकॉर्डिंग। सो वाई बार स्टैटिक और एक्स बार स्टैटिक की वैल्यूज हमारे पास ये होंगी, जिन्हें हम एस्टिमेटर के एक्सप्रेशन में रिप्लेस कर देंगे। सो फ्रेंड्स, हमने उन्हें रिप्लेस कर दिया, कैपिटल वाई बार 1 प्लस ई नॉट वाई बार स्टैटिक की जगह एंड कैपिटल एक्स बार 1 प्लस ई वन स्मॉल एक्स बार स्टैटिक की जगह, जो कि सिंपल रैंडम रैंक सेट सैंपलिंग के थ्रू सैंपल एस्टिमेट हमने सैंपल एस्टिमेट फाइंड किया है वेरिएबल वाई और वेरिएबल एक्स के लिए। सो कैपिटल एक्स बार और यहां पर कैपिटल एक्स बार, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये टर्म न्यूमिरेटर में चली जाएगी, इसकी पावर माइनस वन हो जाएगी। सो स्टूडेंट्स, यहां से आप इस टर्म को ओपन कर देंगे। हम जब इसको ओपन करते हैं तो हम हायर ऑर्डर टर्म्स को इग्नोर कर देते हैं। बायस में हम जो टर्म्स पावर टू के साथ होती हैं उनको कंटेन करते हैं, लेकिन मीन स्क्वायर एरर में हम उन टर्म्स को भी इग्नोर करते हैं जिनकी पावर टू हो या टू से ग्रेटर हो। सो यहां पर हम सिर्फ उन टर्म्स को कंटेन कर रहे हैं जिनकी पावर वन है। इसको सॉल्व कर लें। सॉल्व करने के बाद आपके पास ये एक्सप्रेशन आएगा, अगेन जो क्रॉस प्रोडक्ट टर्म थी ई नॉट ई वन उसे इग्नोर कर दिया, कैपिटल वाई बार को मल्टीप्लाई करें तो आपके पास ये एक्सप्रेशन आ जाएगा। यहां आप दोनों तरफ एक्सप्रेशन के दोनों तरफ कैपिटल वाई बार से सब्ट्रैक्ट कर दें, तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद स्क्वायर लेकर एक्सपेक्टेड वैल्यू लेंगे तो आपके पास ये टर्म आ जाएगी। ये जो टर्म है ये एक्चुअली मीन स्क्वायर एरर ही है। तो मीन स्क्वायर एरर वाई बार स्टैटिक आप इसे लिख सकते हैं, इस तरफ से स्क्वायर को ओपन कर लें। सो फर्स्ट टर्म स्क्वायर प्लस सेकेंड टर्म स्क्वायर माइनस क्रॉस प्रोडक्ट टू टाइम्स ऑफ द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ द टू टर्म्स। स्टूडेंट्स, हम एक्सपेक्टेड वैल्यू अप्लाई कर रहे हैं, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ई नॉट स्क्वायर हम देख चुके हैं इस एक्सप्रेशन के इक्वल होता है, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ई वन स्क्वायर इसके इक्वल है, और एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ई नॉट ई वन हमारे पास इस टर्म के इक्वल है। तो इनके एक्सपेक्टेड वैल्यूज को स्टूडेंट्स हमने रिप्लेस किया। अगर आप इस टर्म में से और इस टर्म में से और इस टर्म को कंसिडर करते हुए नीटा को कॉमन ले लें तो ये आपके पास एक एक्सप्रेशन, मतलब सिंप्लीफाई करने के लिए दिस इज द मीन स्क्वायर एरर, लेकिन उसको एक सिंप्लीफाइड फॉर्म करने के लिए हम नीटा को कॉमन ले लेंगे और बाकी टर्म्स को अलग लिखते हैं, तो हमारे पास जो मीन स्क्वायर एरर का एक्सप्रेशन आएगा स्टूडेंट्स वो कुछ इस तरह से होगा, कैपिटल वाई बार स्क्वायर नीटा सी वाई स्क्वायर प्लस सी एक्स स्क्वायर माइनस टू टाइम्स सी एक्स वाई और सी वाई एक्स और बाकी की सारी टर्म्स हमने लिख दी। सो स्टूडेंट्स, दिस इज द मीन स्क्वायर एरर for the ratio estimator under ranked set sampling. Students, यहां तक आप ratio estimator के लिए mean square error find out कर चुके हैं। आपने इससे पहले हमने expression bias का भी derive कर लिया है ratio estimator के लिए ranked set sampling को consider करते हुए। So आप ये देख लें कि जिस तरह से हम bias और mean square error के expression derive करते हैं वो तकरीबन सारे ही designs में उसका प्रोसीजर सेम है, जस्ट डिफरेंस ये है कि हम जो एक्सपेक्टेड वैल्यूज पुट करते हैं वो उस डिजाइन के अकॉर्डिंग होती हैं। तो स्टूडेंट्स, यहां से अगर मैं आपसे कहूं कि आप
प्रोडक्ट एस्टिमेटर के लिए जो रैंक सेट सैम्पलिंग में इसका बायस और इसके मीन स्क्वायर एरर का एक्सप्रेशन ड्राइव करें तो आई होप कि आप उसको ड्राइव कर सकते हैं। फ्रेंड्स, जब आप इसको प्रोसेस करेंगे तो जो एक्सप्रेशन आपके पास प्रोडक्ट एस्टिमेटर के लिए आएगा, बायस का एक्सप्रेशन, वो कुछ इस तरह से होगा। और मीन स्क्वायर एरर के लिए जब आप प्रोसेस करेंगे और मीन स्क्वायर एरर के एक्सप्रेशन को फाइंड आउट करेंगे प्रोडक्ट एस्टिमेटर के लिए, तो वो एक्सप्रेशन आपके पास कुछ इस तरह से आएगा। सो फ्रेंड्स, आई विल रिकमेंड यू कि आप रैंक सेट सैम्पलिंग के लिए प्रोडक्ट एस्टिमेटर का बायस और मीन स्क्वायर एरर को, जो मैंने एक्सप्रेशन आपको बता भी दिए हैं, इन एक्सप्रेशन को ड्राइव करें। सो इस तरह से आप रेशियो और प्रोडक्ट एस्टिमेटर के बायस एक्सप्रेशन और मीन स्क्वायर एक्सप्रेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं।